बंधुगण, ये जो लिबरल्स हैं, ये जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये जो कांग्रेस वाले हैं और ये जो तौहीन बाग वाले हैं, ये सारे लोग आज जो CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनके खिलाफ बहुत अन्याय हो रहा है, CAA में उनका नाम इंक्लूडेड नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अदनान सामी एक मुस्लिम है, पहले पाकिस्तान के मुस्लिम थे, उन्होंने रूल्स के तहत यहां अप्लाई किया नागरिकता के लिए, भारत की सरकार ने उन्हें नागरिकता दी और उनके मेरिट के आधार पर, उनके प्रतिभा के आधार पर उन्हें पद्म अवार्ड्स मिला, तो क्या मुश्किल है? आप तो छाती पीट पीट के रो रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, यहां मुसलमानों के साथ न्याय हो रहा है तो आपको मुश्किल हो रहा है। इससे एक सवाल उठता है कि ये लिबरल्स, ये जो आम आदमी पार्टी वाले और जो कांग्रेस वाले हैं और ये तौहीन बाग वाले, इनको एक तरह के ही मुसलमान पसंद हैं। जो मुसलमान मोदी जी को, भारत की सरकार को, भारत की आर्मी को, भारत के सुप्रीम कोर्ट को और भारत के वर्चस्व को गाली दे, वो ठीक है, उनको नागरिकता तुरंत देना चाहिए, उनको अवार्ड भी देना चाहिए ताकि बाद में वो अवार्ड वापसी करते रहे, और जो देश के पक्ष में बोले, जो पाकिस्तान के विरोध में बोले, उनको अवार्ड दे तो इनको दिक्कत हो जाती है। बंधुगण, जहां तक कांग्रेस पार्टी का जो बयान है कि अदनान सामी के पिता पाकिस्तान के फौज में थे, 1965 के युद्ध में भी शामिल हुए थे, मैं कुछ तथ्य यहां रखूंगा और हार्ड हिटिंग फैक्ट्स रखूंगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही आम आदमी पार्टी है, ये वही JNU और तौहीन बाग वाले हैं जिनके लिए अफजल गुरु के बेटे का पिता से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अफजल गुरु का बेटा अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो नहीं, उसके पिता का इतिहास मत देखो, बेटे को और पिता को अलग अलग करके देखो, अफजल गुरु के बेटे और पिता को अलग करके देखो, मगर अदनान सामी के पिता के साथ बेटे को जोड़ के देखो। सलमान तासीर, आपको याद होगा, सलमान तासीर पाकिस्तान के कद्दावर राजनेता रहे हैं, पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं। सलमान तासीर भारत के खिलाफ कैसे रहे हैं, पाकिस्तानी होने के बावजूद उनके बेटे के लिए OCI कार्ड, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ये जानते हुए कि OCI कार्ड में सलमान तासीर के बेटे ने, एक पाकिस्तानी के बेटे ने किस प्रकार से गलत इंफॉर्मेशन भरा था उस समय। ठीक है, बाप बेटे को अलग करके देखो, मगर अदनान सामी के केस में बाप बेटे को जोड़ के देखो। बुरहान वानी, बहुत सारे लिबरल्स के लिए ये बुरहान वानी पुअर हेडमास्टर का बेटा है, बहुत गरीब हेडमास्टर, आप जानते हैं किसने कहा था, पुअर हेडमास्टर का बेटा, बुरहान वानी पुअर हेडमास्टर का बेटा है, मगर इसमें बाप बेटे को जोड़ के देखना है। यासीन मलिक को इंडिया की आर्मी सपोर्ट करे, इंडिया की आर्मी प्रोटेक्शन दे, यासीन मलिक जो सेपरेटिस्ट है उसमें ठीक है, मगर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक बना है उसको प्रतिभा के आधार पर पद्म अवार्ड्स नहीं दिया जा सकता है। याकूब मेमन आतंकवादी के लिए 3 बजे रात को कोर्ट खुल सकता है, मगर प्रतिभावान व्यक्ति को पद्म अवार्ड्स नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, यह सवाल मैं हर कांग्रेसी से पूछता हूं, आपने कहा है कि चूंकि अदनान सामी के पिताजी पाकिस्तान के फौज में थे इसलिए अदनान सामी को पद्मा अवार्ड्स नहीं मिलना चाहिए, जबकि आज अदनान सामी भारत का नागरिक है, तो हम सवाल पूछना चाहते हैं, सोनिया जी, आपके पिताजी स्टीफेनो माइनो, वह भी हिटलर और मुसोलिनी के आर्मी में थे, ही फॉट अलोंग साइड मुसोलिनी एंड हिटलर एज अ फासिस्ट आर्मी, फासिस्ट आर्मी में खुद सोनिया जी के पिता थे, क्या उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी कहेगी कि सोनिया गांधी जी को किस प्रकार से भारत में नागरिकता दे दी गई क्योंकि हिटलर के आर्मी में उनके पिताजी थे? तो क्या यह जो लॉजिक कांग्रेस पार्टी का है, पिता और पुत्र को जोड़ के देखना, सोनिया जी के केस में पिता और पुत्री को आपने पृथक पृथक करके, अलग अलग करके देखा है कि नहीं? क्या हो सकता है पिता उनके हिटलर के साथ हो मगर बेटी को जोड़ के मत देखो, ठीक बात है, मगर अदनान सामी के पिता को अदनान सामी के जोड़ के देखो और प्रतिभा के आधार पर अगर पद्मा अवार्ड दे दिया जाए तो आप उन पर अटैक करो। देशद्रोहियों के लिए इकरार और अच्छे मुसलमानों के लिए इनकार, जो देशद्रोह का काम करे, यासीन मलिक, याकूब मेमन, अफजल गुरु, बुरहान वानी, इन सब के लिए इकरार, और जो अच्छे काम करके आगे बढ़े उन सब के लिए इनकार, ये कैसी बात है? 2013 में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने बहुत प्रेज किया था, प्रशंसा की थी अदनान सामी की। 2005 में ताजमहल के जब 350 साल कंप्लीट हुए थे, जो सेलिब्रेशन हुआ था, कांग्रेस की सरकार ने उस समय अदनान सामी को बुलाया था,
बहुत बड़े परफॉर्मेंस के लिए हरिप्रसाद चौरसिया और आबिदा परवीन के साथ वो स्टेज साझा किए थे। उस स्टेज में मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे और 6 तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जो पूर्व के थे वो मौजूद थे, पीवी नरसिम्ह राव जी मौजूद थे। 2008 में नौशाद म्यूजिक अवार्ड से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नवाजा था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से के रोसैया जो आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर थे और एमओएस माइंस केंद्र के टी सुबिराम रेड्डी ये मौजूद थे, इन्होंने अवार्ड दिया था नौशाद। उस समय तो वो पाकिस्तान के सिटीजन थे, उस समय आपने नौशाद म्यूजिक अवार्ड दिया वो ठीक है, अब पद्मा अवार्ड दिया तो गलत है। 2011 में दिग्विजय सिंह ने कहा इंडिया शुड कंटिन्यू टू अलाउ रेसिडेंसी ऑफ शमी। 2013 में पी चिदम्बरम कहते हैं शमी डिजर्व्स एन इंडियन सिटीजनशिप, व्हाई शुडंट द गवर्नमेंट गिव हिम व्हाट ही डिजर्व्स। 2011, 2008, 2013 उस समय कांग्रेस पार्टी कह रही थी इनको आप सिटीजनशिप भी दीजिए अवार्ड्स भी दीजिए, मगर 2020 में यह सब कुछ खराब हो गया। मैं तो आज भगवान से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तेरी ऊंची शान है भगवान, तेरी ऊंची शान है भगवान, मेरी अर्जी मान ले भगवान, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूं तेरा मानने वाला, कैसे कैसों को दिया है ऐसे वैसों को दिया है, कांग्रेस की सोच थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, सद्बुद्धि को उनको जरा गिफ्ट करा दे। कांग्रेस को आज सद्बुद्धि की आवश्यकता है और थोड़ी सी उनकी सोच को लिफ्ट कराने की आवश्यकता है। मुझे लगता है भगवान इस बात को सुनेंगे, वो सबको कैसे कैसों को दिया है थोड़ा राहुल गांधी को भी दे दे सद्बुद्धि।